नमस्ते दोस्तों। दोस्तों अगर आपने आधार कार्ड अभी तक अपडेट नहीं किया है तो आधार कार्ड अपडेट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप फ्री में आधार कार्ड अपडेट करवाना चाहते हो तो इसका थोड़ा ही दिन बचे हैं। अभी 14 जून तक आप आधार कार्ड फ्री में अपडेट कर पाओगे। उसके बाद अगर आपको आधार कार्ड अपडेट करना पड़े तो आपको एक अपडेट का पर अपडेट पर 50 रुपये या तो 100 रुपये चार्जेस देना पड़ सकता है। तो आधार कार्ड कैसे अपडेट करें इसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताऊंगा। दोस्तों इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, आपके मोबाइल से ही आप 2-5 मिनट के अंदर ही आधार कार्ड अपडेट कर पाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्री में आधार कार्ड अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपके मोबाइल में या तो लैपटॉप में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ लिखिए UIDAI लिखोगे, उसके बाद सर्च करोगे तो यहाँ पहली वेबसाइट आ जाएगी। तो ये पहली वेबसाइट जो है उस पर हमें क्लिक कर लेना है। यहाँ से हमें कोई भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद यहाँ इस तरह इंटरफेस होगा, यहाँ आपको नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ आधार अपडेट आधार करके है, उसके भी नीचे आपको जाना है गेट आधार, और उसके नीचे जाना है आधार सर्विसेज। आधार सर्विसेज में यहाँ आप देख सकते हो वेरीफाई एन आधार नंबर, तो उस पर हमें यहाँ क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको लॉगिन कर लेना है, लॉगिन पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ आपको आपके आधार नंबर और कैप्चा कोड टाइप करके लॉगिन विथ OTP पे क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल में OTP नंबर जाएगा, वो OTP नंबर यहाँ आपको टाइप करना है। तो ये प्रोसेस मैं कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ आधार नंबर डाल दिया है, और उसके बाद यहाँ लॉगिन पे OTP नंबर भी डाल दिया है, और यहाँ उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करूँगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको अलग अलग ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट अपडेट, डाउनलोड आधार और ऑर्डर आधार PVC कर सकते हो, एड्रेस अपडेट कर सकते हो। डाउनलोड आधार कैसे करें इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, एड्रेस अपडेट कैसे करें इसका वीडियो भी ऑलरेडी बना रखा है, तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। लेकिन आज हमें यहाँ देखते हैं आधार अपडेट करना है। यहाँ तो डॉक्यूमेंट अपडेट जो यहाँ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ आप डेट जो है दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14 जून 2024, मतलब कि 14 तारीख तक आप यहाँ फ्री कर सकते हो। तो उस पर हमें क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको दो बार नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ सबसे पहला स्टेप है प्लीज़ वेरीफाई योर डेमोग्राफी डिटेल, मतलब कि यहाँ आपका जो एड्रेस जो है वो यहाँ आपको शो होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है। तो यहाँ आपको राइट क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ राइट क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। तो उसके बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्लीज़ अपलोड प्रूफ ऑफ ID, मतलब कि फ़ोटो वाला कोई भी एक ID आपको अपलोड करना है। तो यहाँ आप फोटो वाला ID जो है अपलोड करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ जो है उस पर क्लिक करना है। तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट इसमें एक्सेप्ट होगा वो सभी डॉक्यूमेंट का नेम यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ मैं सबसे पहले यहाँ क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है, इंडियन पासपोर्ट है, जन आधार कार्ड जो है, किसान फोटोग्राफी है, तो ऐसे काफ़ी सारे यहाँ पैन कार्ड जो है वो भी अगर आपके पास है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो। वोटर आईडी कार्ड जो नीचे आप जाओगे तो वोटर आईडी कार्ड, इलेक्शन कार्ड जो है वो भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। SC ST OBC का सर्टिफिकेट अगर आप डाउनलोड हो तो कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पैन कार्ड अपलोड करूँगा। और पैन कार्ड अपलोड करने के बाद यहाँ व्यू डिटेल अपलोड डॉक्यूमेंट, उस पर हमें क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ कंटिन्यू टू अपलोड करना है। कंटिन्यू टू अपलोड करने के बाद यहाँ आप डायरेक्ट फोटो कैप्चर कर सकते हो, या तो गैलरी में से फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं गैलरी में से फ़ोटो यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि मेरा गैलरी में फ़ोटो यहाँ है पैन कार्ड का। तो यहाँ गैलरी में से कोई भी एक फ़ोटो सिलेक्ट करके उसके बाद यहाँ ओके करोगे तो आपका पैन कार्ड जो है वो यहाँ अपलोड हो जाएगा। लेकिन 2 MB से कम होना चाहिए, 2 MB से ज़्यादा अगर होगा तो नहीं होगा, JPG PNG फॉर्मेट में होगा। इसके बाद यहाँ प्लीज़ अपलोड प्रूफ ऑफ एड्रेस, मतलब एड्रेस वाला कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो है वो आपको अपलोड करना है। यहाँ एड्रेस वाला कोई भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ आपके पास जो भी है वो यहाँ आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ वोटर आईडी कार्ड ही लूँगा, क्योंकि यहाँ दोनों साइड आपको अपलोड करनी है तो वो सबके पास होता है। तो यहाँ वोटर आईडी कार्ड मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगा। उसके अलावा भी काफ़ी सारे मैरिज सर्टिफिकेट होगा आपके पास, तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो। SC ST OBC सर्टिफिकेट इश्यूड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है, तो वो भी आप यहाँ एड्रेस प्रूफ में अपलोड कर सकते हो। पासबुक जो अगर बैंक की जो है सेविंग अकाउंट की, तो वो भी आप कर सकते हो। राशन कार्ड जो है वो भी आप अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट जो है वो जो हमारे पास होता है वो आप अपलोड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ वोटर आईडी कार्ड ही लूँगा। और उसके बाद यहाँ नेक्स्ट और
नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो यहाँ आपका जो भी मैंने लिविंग सर्ट यहाँ अपलोड किया है तो यहाँ उसके बाद अपलोड हो जाने के बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ आपको ओके कर देना है। तो मैं यहाँ ओके कर दूंगा, यहाँ आप देख सकते हो। ओके करने के बाद यहाँ आपको थोड़ी प्रोसेस लगी, उसके बाद यहाँ आपको डायरेक्ट सबमिट कर देना है। तो मैं यहाँ सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करोगे तो यहाँ आपको एक प्रिंट भी मिल जाएगी, जो प्रिंट आपको बचा के रखनी है। तो यहाँ सक्सेस हो गया है वो आप यहाँ देख सकते हो। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ दोस्तों कि ये आधार कार्ड किसको अपडेट करना है, कि जिन लोगों ने 7-8 साल से कोई भी मतलब इसमें करेक्शन नहीं किया है, सुधारा वधारा नहीं किया है, अगर आपने फ़ोटो अपडेट किया है या तो नेम चेंज किया है, डेट ऑफ बर्थ चेंज किया है, तो आपको कोई भी आधार कार्ड अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना, और चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।